Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule, class 1st, subject mathematics, lesson 4, subtraction, part 1. How are you? I hope that you all are well and doing your work at a time. Okay, so my dear students, as you know, myself Neetu Sharma and I am your math teacher. So, let's start today's class. Dear students, as you know, ki hum apni last class mein apna chapter 3, lesson 3 complete kar liya tha. Yes? I hope ki aapne bhi apni बुक एंड नोटबुक में कंप्लीट किया है ओके नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेसन 4 सो या लेट्स गो लेसन 4 पेज नंबर 3636 एज यू सी लेसन 4 सबट्रैक्शन अप टू 9 ओके टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेसन 4 जिसका नाम है सबट्रैक्शन अप टू 9 सबट्रैक्शन मींस यस टेल मी राइट माइनस करना ओके तो आज हम सबट्रैक्शन सीखेंगे अप टू 9 9 नंबर तक सबट्रैक्शन हम सॉल्व करेंगे ओके सो डियर स्टूडेंट्स सी हियर सबट्रैक्शन मींस टू टेक अवे एंड फाइंड हाउ आर लेफ्ट सबट्रैक्शन मींस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम ये जानेंगे व्हाट इज द सिंबल ऑफ सबट्रैक्शन This is a sign of subtraction. Okay? So, जहां भी ये sign होगा, वहां पर हम समझ जाएंगे कि हमको subtraction करने हैं. Means, minus करने हैं. एक number में से दूसरे number कम करना है. Okay? So, as you see, in your book, 6 balloons. Okay? हमारे पास कितने balloons हैं? 6 balloons. आपको एग्जांपल दिया है एग्जांपल नंबर 1 आई हैव 6 बलून्स बट माय ब्रदर्स डिफरेंटेड 4 ऑफ देम हाउ मेनी बलून्स डू आई हैव नाउ मेरे पास 6 बलून थे जिसमें से 4 बलून मेरे भाई ने फोड़ दिए आपके भी बलून फूटते हैं कि नहीं जब हम बलून में एयर भरते हैं यस तो मेरे भी भाई ने 4 बलून फोड़ दिए तो मेरे पास रिमेनिंग कितने हुए बलून कितने बचे तो हम कैसे चेक करेंगे ये स्टूडेंट्स सी हियर मेरे पास 6 बलून थे ओके जिसमें से 4 बलून मेरे भाई ने फोड़ दिए तो जितने पहले हमने 6 लिखा क्योंकि हमारे पास 6 बलून थे फिर हमने 4 लिखा क्योंकि उसमें से 4 बलून हमने फोड़ दिए सिंबल लगाएंगे विदाउट दिस सिंबल आवर सम इज नॉट कंप्लीट ओके हमारा सम कंप्लीट नहीं है सो रिमेन कैसे करेंगे अब जब हम प्लस कर रहे थे और ऐड कर रहे थे तब हम क्या कर रहे थे कि जो हमारे दोनों नंबर्स हैं हम दोनों की लाइन अलग-अलग ड्रॉ कर रहे थे यस अब हम क्या करेंगे बिकॉज़ दिस इज आवर सबट्रैक्शन तो हम क्या करेंगे जो हमारा नंबर है ऊपर जो हमारा नंबर है बड़ा जो नंबर है उतनी लाइन हमको ड्रॉ करनी है ओके तो हमारा बड़ा नंबर क्या है 6 तो हम 1 2 3 4 5 6 6 लाइंस ड्रॉ करेंगे अब उसमें से हमें कितनी लाइन कट करनी है 4 क्योंकि 6 बलून थे और 4 बलून हमारे फूट गए तो हम इसमें से 4 लाइन कट करेंगे 1 2 3 4 4 लाइन हमने कट कर दी तो अब काउंट करिए कि हमारी रिमेनिंग लाइन कितनी है 1 2 2 लाइन हमारी रिमेन है तो हम यहां पर राइट करेंगे 2 सो दिस इज आवर सबट्रैक्शन ये हमारे सबट्रैक्शन है मींस नंबर को कम करना नंबर को काटना ओके नेक्स्ट एग्जांपल 2 7 बलून्स ओ सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल 2 वी हैव 7 एप्पल्स हमारे पास कितने एप्पल्स हैं इसमें 7 और 3 एप्पल्स हमने खा लिए ओके यम्मी होते हैं ना यस एप्पल इज वेरी हेल्दी फॉर
बहुत हेल्दी होते हैं हेल्थ के लिए. ओके सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 7 एप्पल थे और हमने 3 एप्पल खा लिए, तो हमारे रिमेनिंग एप्पल कितने हुए? तो हमको सेम वही मेथड फॉलो करना है. 7 एप्पल, 3 एप्पल हमने खा लिए, सिंबल लगाएंगे. अब हमें कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है? 7, राइट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 लाइन हमने ड्रॉ की. अब हमें उसमें से कितनी लाइन कट करनी है? 3 लाइन. 1, 2, 3. 3 लाइन हमने कट कर दी. रिमेनिंग लाइन काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4. कितनी लाइन रिमेन है हमारी? 4. सो राइट हियर 4. आई होप कि आपको समझ में आ रहा है सब्ट्रैक्शन क्या होते हैं. दिस इज वेरी इजी. हमें एक नंबर में से दूसरे नंबर को कट करना होता है, कम करना होता है. ओके सो लेट्स सी एक्सरसाइज 1, पेज नंबर 37. ओके लेट्स सी. काउंट एंड राइट द नंबर इन द स्पेस प्रोवाइड. द फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू. एक आपके लिए डन है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है? 6 फ्रॉग सिट ऑन द स्टोन. 6 मेंढक, 6 फ्रॉग्स स्टोन पत्थर पर बैठे हुए हैं. 2 जंप इन द वाटर. 2 ने जंप लगाई वाटर में. तो अब हमारा जो स्टोन है उस पर कितने फ्रॉग हैं? काउंट करिए. 1, 2, 3, 4. सो हमने यहाँ पर आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है 4. ओके नेक्स्ट 7 फ्लावर ऑन द प्लांट. तो हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 फ्लावर्स हैं फर्स्ट में. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7. ओके टेक अवे 4 फॉल डाउन. कितने फॉल डाउन हुए, कितने गिर गए? 4. तो यहाँ हम लिखेंगे 4 इज इक्वल टू. अब कितने रिमेनिंग हैं हमारे? 1, 2, 3. तो यहाँ हम राइट करेंगे 3. ओके सो आप दोनों तरह से कर सकते हैं, चाहे तो टेक अवे लिखें, इज इक्वल टू लिखें, या माइनस का सिंबल लगाएं. तो नीचे भी हम सेम मेथड लिखेंगे. नेक्स्ट 9 लीव्स ऑन द ट्री. 9 लीव्स हैं, पत्तियां हैं ट्री पर. तो यहाँ पर हम 9 राइट करेंगे. टेक अवे 4 फॉल डाउन. तो यहाँ पर 4 लिखेंगे क्योंकि 4 पत्तियाँ हमारी गिर गई. 4 लिखेंगे. हाउ मेनी आर लेफ्ट. कितनी पत्तियाँ बची? 1, 2, 3, 4, 5. सो राइट हियर 5. सेम मेथड हम नीचे भी राइट करेंगे. ओके सो आई होप कि आपकी समझ में आ गया. सो आई होप कि आपकी समझ में आ गया व्हाट इज सब्ट्रैक्शन. अगर आपको कोई डाउट है या आपकी समझ में नहीं आया, सो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास. चिल्ड्रंस टेल मी हाउ मेनी एरोप्लेन्स वी हैव. वी हैव 3 एरोप्लेन्स. 1, 2, 3. So, okay, if I take away 2 aeroplanes with me, how many aeroplanes are left now? 1. Yes. So, children, how many insects see here? 1, 2, 3, 4. Yes. Okay. So, 1 insect left away. How many are left now? 1, 2, 3. Yes. Next. So, students, how many blocks we have? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blocks. If I take away 2 blocks, how many blocks are left now? 1, 2, 3, 4. 4 blocks. Yes. Next. So, see here how many chilies here? Yes. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chilies. Okay. Now, I take away how many chilies? 4 chilies. So, how many chilies are left? 1, 2, 3. There are one more way for subtraction. Okay. See here. Yes. If I have 5 chocolates. Okay.
Now I ate 3 away. How many chocolates are left with me? Yes, 2. Yes. Next, you can see here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 butterfly. So in mein se 2 butterfly ud gayin. So how many butterfly are left? 5. 5 butterfly bachi. So students, I hope aapko samajh mein aa gaya ki what is subtraction. Dear students, complete lesson 4 exercise 2 in your book. This is your homework. Till then, see you again. Take care. Bye-bye. My dear students, hope you enjoyed this class. And now, it's time for your homework. Dear children, complete video class work as per given instructions in your book and notebook in very proper handwriting. Okay, my dear students. Bye-bye. Take care. Stay at home, stay safe. God bless you.